मैं शेफाली आपका अपने यूट्यूब चैनल शेफाली की दुनिया में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने कलर किया हुआ है, देखिए हाथों पे लग भी रहा है। मैंने एक बॉटल को कलर किया हुआ है। आप सबको पता है दिवाली आ रही है और घर में अगर सारी डेकोरेशन कर ली जाए, बाहर से लाकर कुछ भी सजा दूँ, लेकिन अपने हाथ से अगर कुछ बनाकर ना सजाओ तो कुछ अधूरा सा लगता है। आपको कैसा लगता है, नहीं लगता मुझे नहीं पता, मुझे ज़रूर बताइएगा, पर मुझे लगता है पर्सनली जब तक मैं अपने हाथ से कुछ बनाकर अपने घर को ना सजा लूँ, और सजाने के बाद पता क्या होता है, मैं बार बार उस चीज़ को देखती हूँ जाके, कितना अच्छा लग रहा है, कितना, और दो चार लोगों से बुलवा भी लेती हूँ कि हाँ अच्छा लग रहा है। मेरा ये है, जब तक कोई तारीफ ना करे तो मज़ा किस बात का है, तो खुद की तारीफ करवाना, क्योंकि बाहर से देखिए आप कुछ भी ले आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हाँ अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट जो भी है, मतलब नॉर्मल सा ही होता है, लेकिन जब आप कुछ बनाते हैं, एक होता ना हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, हाथ की बनी हुई चीज़ों की क्रेज अलग ही होता है, वो थोड़े कॉस्टली भी आती है अगर बाहर से आप लेते हैं, और वही चीज़ें अगर आपने खुद ने बनाई हो फिर वो चीज़ की खुशी तो अलग ही होती है। और जब भी कोई आता है हम उसे ज़रूर बताते हैं ये हमने बनाया हुआ है, ये देखिए, उस चीज़ को ज़रूर दिखाएंगे, भले उसके मतलब चीज़ की कोई कीमत ना हो, लेकिन वो आपके लिए अनमोल होती है और आप दिखाते भी हैं। हज़ारों रुपये की 5-10 हज़ार का कोई 100 पीस आप ले आइए, फिर भी आप उसे ये नहीं बताएंगे हाँ ये वहाँ गई थी, वहाँ से लाई है, फलाना ठिकाना है, कैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो आप ज़रूर पूछते हैं, मेरी तो ये आदत है, आपकी है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दिवाली की प्रिपरेशन मैंने कर दी है, क्योंकि हर टाइम पता क्या होता है, हर बार कि मैं लेट हो जाती हूँ आए टाइम तक। मुझे लास्ट ईयर ये हुआ कि भगवान जी के कपड़े रह गए थे, दिवाली वाले दिन ही मैं कपड़े सिल रही थी बैठ के। तो इस बार मैं सोच रही हूँ हर चीज़ मैं पहले पहले से करके रखूँगी, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जो आप मेरे घर में पेंटिंग देखते हैं, मैंने खुद से की हुई थी अपने हाथों से, और किसी की हेल्प भी नहीं ली थी, क्योंकि आज के पापा को भी दिवाली के टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं, सारा काम होता है, आप लोगों को पता ही होगा दिवाली में तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो बहुत बिजी रहते हैं। तो दिवाली में जितना भी डेकोरेशन होता है उसका हर चीज़ मैं ही देखती हूँ। तो पिछली बार मुझे पेंटिंग करनी थी, घर का कलर चेंज करना था, पहले दिवाली येलो हो रही थी, पहले हमने बाहर से करवाया था, लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि लास्ट मोमेंट पे हुआ कि हाँ कलर चेंज करवा लेते हैं, उस टाइम पे कोई पेंटर भी नहीं मिल रहा था, और फिर मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ, और सीढ़ी वगैरह ये ले आए हुए थे, बाकी कलर वगैरह सामान इन्होंने सारा ला के रख दिया था, फिर मैंने थोड़ा 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 करके करते करते 2-3 दिनों में पूरा घर को कलर कर लिया था। और उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाती होती, वरना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती कि कैसे कैसे मैंने किया था। फिर सारी डेकोरेशन ये वो में बहुत ही लेट हो गए थे हम। इस बार मैंने सोचा है मैं जल्दी जल्दी से शुरुआत कर देती हूँ अपनी फटाफट से, क्योंकि मार्केट में भी बहुत रश हो जाता है, उसमें जा नहीं पाते, और इस बार तो मार्केट मेरा कम ही जाना होगा, पैर की वजह से पैर में दिक्कत है, तो भीड़ भाड़ में मुझे जाना नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं खुद से घर पर डेकोरेट कर लूँ और सजा लूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर बनाई है, और मेरी बातें अगर आपको थोड़ा सा अच्छी ना लग रही हो या बोर हो रहा हो तो अवॉइड कर दीजिएगा, आगे का देख लीजिए मैंने बनाया क्या है। तो ये देखिए मैंने इस बॉर्डर को कलर किया हुआ है, उसमें मैंने कुछ आर्ट बनाई है, क्या बनाया है आप लोग बताइएगा, देखिए क्या लग रहा है, आपको लग रहा होगा ना इतनी तो अच्छी आर्ट है मेरी कि आप लोग को दिख रहा होगा कि ये क्या है। ये एक लड़की है जिसने गाउन पहन रखा है बहुत ही खूबसूरत सा, और ये बहुत ही प्यारा इसने बन बना रखा है, बन पे ये लगा रखा है, तो देखिए खूबसूरत सी एक्सेसरीज, हेयर एक्सेसरीज, और जिसका बहुत ही प्यारा लग रहा है, लुक आगे से तो पता नहीं कितनी सुंदर है, लेकिन पीछे से ये बहुत सुंदर लग रही है। देखिए इस तरह से इन्होंने अपने गाउन को पकड़ रखा है, एक हाथ इस तरह से आ रहा है, एक हाथ ये आगे को जा रहा है जो नहीं दिख रहा है, ये देखिए। तो मैंने इसको किया है, और आप इसने ना पानी डालकर, ये नेचुरल वाइन है ये स्वीट पोटेटो की, तो मैंने अभी ये लगा रखी है, बाकी आप इसे मनी प्लांट भी लगा कर रख सकते हैं, किसी भी कॉर्नर पर रख सकते हैं, या डाइनिंग टेबल पर भी इसको इस तरह से रख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगने वाली है। आप चाहें तो इसको, पता है दिवाली पे क्या होता है कि हर जगह बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम आ जाते हैं, वैसे तो आपको कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन दिवाली में कुछ रेट भी कम मिल जाते हैं, तो आप लंबी लंबी स्टिक आती हैं आर्टिफिशियल फ्लावर की, लंबी लंबी स्टिक सी आती है, अगर कोई झाड़दार पौधा लगाएंगे, मतलब पेड़ जो होता है ना, तो वो इस पर अच्छा नहीं लगेगा, इस पर लंबी लंबी स्टिक सी अच्छी लगेगी, मल्टी कलर की स्टिक इस पर लगा दीजिए, वो बहुत ही प्यारी लगेगी, और अंदर से
जो फेरी लाइट आती है वो भी डालकर इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अगर आपकी बालकनी है वहाँ पर इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं, फेरी लाइट डालकर बहुत ही प्यारी लगेगी। तो घर के किसी भी कोने पे या सेंटर में टेबल पे फ्रिज के ऊपर कहीं भी आप इसको रखकर डेकोरेट कर सकते हैं, अपना घर बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और आगे आगे देखिएगा मैं कैसी कैसी वीडियो लाऊंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। दिवाली से पहले जो भी मैं बनाऊंगी दिखाऊंगी, अपने घर को सजाऊंगी, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो वीडियो मेरी कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, अपनी राय भी दे दिया करिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या गलत कर रही हूँ, अगर कुछ कमियाँ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर न्यू है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, जो भी आपको वीडियो पसंद आता है या आपको लगता है कि जैसे कि कभी कभी होता है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरी वो सिस्टर है या मेरी फ्रेंड है वो ये काम कर सकती है। तो आप जैसे ड्राइंग का हो गया, अगर आपको नहीं आती है और कोई आपकी सिस्टर है या आपकी क्लोज फ्रेंड है जिसको ड्राइंग करनी आती है, तो आप उसके साथ भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो बना सकती हैं देखकर। और लाइक कर दिया करिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि पता अच्छा लगता है, कुछ प्रॉफिट नहीं होना है कुछ नहीं होना, लेकिन अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, आप लोगों के साथ आने का मन करता है, आप लोगों से बात करने का मन करता है। जब हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, आप लोग मुझे देख सकते हैं सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको जान कैसे सकती हूँ, आपके कमेंट के द्वारा। तो अपने कमेंट ज़रूर बताया करिए, अपनी राय ज़रूर मुझे दिया करिए। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।